ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। देश के पश्चिम इलाकों में कई जगहों से भारी बारिश और जलभराव के कारण होने वाले नुकसान की खबरें आ रही हैं। ऐसी ही एक खबर मुंबई से आई है। नवी मुंबई के पास खार घर परिसर में पांडव काड़ा नामक एक झरना है। इस झरने में चार लोग बह गए हैं, जिनमें से एक महिला का शव मिला है। बाकी के दो महिला और एक लड़के की तलाश जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी फिलहाल जारी है। आज सुबह सात लोग झरने पर आए थे पिकनिक मनाने के लिए, जिनमें से पांच महिलाएं और दो लड़के हैं। स्थानीय लोगों ने तीन लोगों को बचा लिया, मगर चार लोग तेज बहाव के कारण वो बह गए, जिनमें से एक की शव पुलिस ने बरामद की है। दो महिलाएं और एक लड़के की तलाश जारी है। ये महिलाएं जो हादसे की शिकार हुई हैं, वो मुंबई के ही चेंबूर इलाके की रहने वाली हैं, जो नवी मुंबई के पांडव काड़ा झरने पर पिकनिक मनाने गए थे। बारिश के मौसम में इस झरने में पानी का स्तर अचानक बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ झरने के निकट जाने नहीं दिया जाता है। पाबंदी लगाई गई थी, इसके बावजूद लोग इस झरने के नज़दीक पहुँच गए और अचानक नियंत्रण खो गया और तेज बहाव में बह गए। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।